स्टूडेंट्स वेलकम टू मड्यूल वन नाइन सेवन अब हम जो आपका जो कोर्स है इंट्रोडक्शन का वी आर गोइंग टू वर्ड्स एंड ऑफ द कोर्स इसके अंदर हम कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे जब आप एडमिशन लेते हैं तो यू नो यू ऑलवेज़ हैव अ ड्रीम अबाउट योर करियर तो जब आपने इस कोर्स में एडमिशन लिया होगा यू मस्ट बी हैविंग लॉट ऑफ यू नो क्या कहना चाहिए कि इंटरेस्ट होगा आपको एक्साइटमेंट होगी बहुत सारी कि अच्छा मैं डाटा साइंटिस्ट बन जाऊंगा तो मैं यू नो व्हाट यू विल अचीव हमारी कोशिश ये है कि हम आपको कुछ प्रैक्टिकल एडवाइस गाइडेंस करें कि आपके जो करियर में हम आपको किस तरह से गाइड कर सकते हैं किस तरह से आपको हेल्प कर सकते हैं कि आप यू नो यू कैन आई एम श्योर ये कोर्स यू आर हैविंग इट इन द अर्ली टाइम्स ऑफ यूअर ये जितने भी आपका पूरा कोर्स है डेटा साइंस का बी का बट प्लीज़ कीप इट एंड यू कैन आम श्योर यू कैन जूज इट वेन यू आर गोइंग टू ग्रेजुएट एंड यू स्टार्ट अप्लाइंग इन दार्किट फॉर यूर जॉब ऑब्वियसली उसमें जब जैसे मैंने कहा कि डे वन से आपका जो ना यू आर लुकिंग एट दब मैं डाटा साइंटिस्ट बन जाऊँगा तो मैंने क्या करना है तो जॉब्स एप्लीकेशन जो है या जॉब ढूँढना डेफिनेटली जब आपका कुछ एक्सपीरियंस हो जाता है ना किसी एक इंडस्ट्री में तो लोग आपको जानते हैं पहचानते हैं प्लस ऑन टॉप ऑफ एवरी आपका जो रिज्यूमे जो आपका सी बी होता है ना इट स्पीक्स अ लॉट अबाउट यू लेकिन जो फर्स्ट चैलेंज है वो डेफिनेटली यू नो लैंडिंग योर फर्स्ट जॉब इज ऑलवेज अ चैलेंज और लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इन योर लाइन यू नो बिकॉज दिस इज़ अ टेक्निकल स्किल ठीक है सॉफ्ट स्किल्स की भी हमने बात की यकीनन इंटरव्यू में आपकी सॉफ्ट स्किल्स भी आपके काम आएंगी लेकिन जो टेक्निकल चीज़ें आपने सीखी होंगी आई रही है आई टी रेट आपको स्टैट आती है आपको मैथ आता है आपको डेवलपमेंट आती है आपको अभी हमने कुछ इंडस्ट्रीज़ की भी बात की तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प हेल्प करेंगी सो दैट यू कैन प्लान कि मैंने किस तरह की जॉब में अप्लाई करना है किस इंडस्ट्री में जाना है यू नो हर एक इंसान का एक अपना इंटरेस्ट होता है किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती है किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती है और इसी इसको कहते हैं बेसिकली डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या डिफरेंट ऑफ़ परसेप्शन और इसके ऊपर ही पूरी दुनिया का निज़ाम चलता है वरना सारी दुनिया डाटा साइंटिस्ट बन जाए या सारी दुनिया डॉक्टर बन जाए तो दुनिया का निज़ाम तो नहीं चलेगा ऑब्वियसली तो ये आप यू हैव टू सी विच इंडस्ट्री सूट्स यू मोर फिर आप उसमें यू you नो know, कम अज कम ये जो पिछले दो तीन सालों में सर्वे हुए हैं ना उसमें डेटा साइंटिस्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव जॉब और ये जो ट्रेंड है ना इट विल कंटिन्यू एटलीस्ट आप ये समझें कि अगले दस पंद्रह बीस साल में जो डेटा साइंस क्योंकि अब देखिए हमने ये चीज़ डिफरेंट जो आपके मॉड्यूल से हमने डिस्कस की हमने देखा वी हैव अंडरस्टूड जो दुनिया में डेटा जो है ना इट हैज़ बीन जनरेटिंग ये दुनिया सारी दुनिया डाटा जनरेट कर रही है और उसमें से हार्डली जो डाटा जितना डाटा दुनिया में आज के दिन में प्रोड्यूस हो रहा है ना ये जनरेट हो रहा है उसमें से शायद दो चार पाँच परसेंट सिर्फ स्टोर होता है अब आप ये अंदाज़ा लगा लें कि उसमें से एनालाइज कितना होता है और कितना डाटा जो है यूज़फुल है फॉर डिफरेंट डिसीजन मेकर और एट डिफ, डिफ, डिफरेंट लेवल फॉर डिफरेंट पीपल तो रेस्ट श्योर ये यू हैव मेड वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ कि आप इसमें आए हैं डेटा साइंस में और वंस यू लैंड योर फर्स्ट जॉब इनशा आई एम श्योर यू विल बी एबल टू यू नो मूव फॉरवर्ड और अपने कैरियर में आप स्टेप बाई स्टेप प्रोग्रेस करते रहेंगे जो लैंडिंग फर्स्ट जॉब इज़ ऑलवेज डिफिकल्ट एंड यू जॉइन एज अ जूनियर यू नो डेटा साइंटिस्ट लेकिन जब आप उसमें आते हैं आपकी जो डिफरेंट स्किल्स हैं आप उन पर काम करते हैं फिर आप यू नो स्टेप बाई स्टेप फिर आप डेटा uh, एनालिस्ट बनते हैं एंड यू कैन रीच टू द लेवल ऑफ चीफ़ डेटा ऑफिसर या ये बेसिकली डिपेंड करेगा जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनमें क्या यू नो हर क्या है आप जब एच आर में या आपको जब कहीं जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर कभी कहीं पर ग्रेड होते हैं कहीं पे स्केल होते हैं कहीं पर कुछ कहीं पर कुछ कहीं पर कुछ, कुछ लेकिन एक नॉर्मल कैरियर का जो है ना कैरियर डेवलपमेंट का या एक प्रोग्रेशन का एक पाथ होता है जो कि आपको मिलता है एंड इट इज़ यू नो और फिर इसमें एक चीज़ ये भी होती है अगर एक इंडस्ट्री में फ़र्ज़ करें आपको ग्रो करने का चांस नहीं मिल रहा या दे आर नॉट एज़ पर योर एक्सपेक्टेशन यू कैन ऑलवेज जंप विद इन द सेम इंडस्ट्री किसी दूसरी कंपनी में आप जा सकते हैं या यू कैन ऑल्सो गो टू अ डिफरेंट इंडस्ट्री ये 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 भी यू नो इट इज़ अ स्टैंडर्ड इन द मार्किट मैंने ये देखा है विद इन लास्ट फाइव टेन ईयर्स बेशुमार लोग आई एम टॉकिंग अबाउट आई टी पीपल एंड एनालिटिक्स और ये जो आपके बिजनेस एनालिटिक्स के लोग हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ जो टैलिंग को से वो गए हैं बैंकिंग में क्योंकि बैंकिंग में जब उन्होंने वो शुरू किया अपना इंटरनेट बैंकिंग और ऑनलाइन बैंकिंग एंड डिजिटल ऑन बोर्डिंग इस तरह की चीज़ें तो दे नीड पीपल जिनके पास ये स्किल्स ऑलरेडी हैं क्योंकि बैंक तो पहले कन्वेंशनल पे थे उनके पास ये एक्सपीरियंस ही नहीं था उन्होंने क्या किया, किया कि टेलीकॉम इंडस्ट्री से वो लोगों को ले आए इसी तरह अब ये टेलीकॉम और अगर इधर सेचूरेशन होती है सैचुरेशन इन द मीन के जॉब ओपनिंग्स कुछ कम होती हैं या वो प्रमोशन कम होती है या आपको प्रोग्रेस करने का चांस कम मिलता है तो यू कैन लुक और आउन इं टू रिटेल इन ई कॉमर्स और जो ई e कॉमर्स या सोशल मीडिया एनालिटिक्स वाला एरिया ना उसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं क्योंकि दे आर अक्रॉस इंडस्ट्रीज़ अब ई e कॉमर्स है वो किसी एक इंडस्ट्री के लिए नहीं है जो सोशल मीडिया है वो किसी एक इंडस्ट्री तो दे आर अक्रॉस इंडस्ट्रीज़ उसमें आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं लेकिन अगर आप देखें कि आप इसको एक और एंगल से देखें तो अगर आप ऐसी कंपनी में जाते हैं जो कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है या एक कंपनी है जो कि बिज़नेस इंटेलिजेंस या डेटा बेरोजिंग का काम करती है एक कंपनी है जो कि डेटा साइंस का काम करती है या वो डेटा एज ए सर्विस का काम करती है तो वहाँ पे तो यू हैव देन यू नो एन क्या यू नो व्हाट इज़ द राइट वर्ड के बेशुमार ऑफर वहाँ पर आपको हर इंडस्ट्री के लिए काम करने का मौका मिलेगा और बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि जब आप किसी एक इंडस्ट्री के लिए काम करना शुरू करते हैं फ्रॉम एन आई कंपनी तो वो कुछ अरसे बाद आपकी डिमांड इतनी बढ़ती है कि वो कंपनी जो आपके कस्टमर होते हैं दे स्टार्ट ऑफरिंग यू डिफरेंट जॉब्स पर इस तरह फिर आपको प्रोग्रेस करने का जो है ना वो मौका मिलता है उसमें इसमें डिग्री ज़रूर मैटर करती है बट आई हैव पर्सनली सीन हमारे पास तो जो लार्ज या बिगेस्ट एग्जाम्पल्स हैं मोस्ट सक्सेसफुल पीपल इन दी आई टी दे आर कॉलेज ड्रॉप आउट्स आई मीन जो दो नाम सबसे बड़े नाम हैं बिल गेट्स है या आपका स्टीव जॉब्स वो दोनों ड्राप आउट्स है तो इसमें आपको और मैंने अपनी ज़िंदगी में भी ऐसे लोग देखे हैं जो कि नॉर्मल किसी ने बी ए किया है और वो दे आर द बेस्ट सॉफ्टवेयर डिवेलपर्स बेस्ट प्रोग्रामर्स ये दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल डिग्री होनी चाहिए बिकॉज दैट इज़ योर सॉर्ट ऑफ गेट वे टू योर प्रोफेशनल लाइफ प्लीज़ आप अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दें अपनी डिग्री पे कॉन्सेंट्रेट करें और ये सारे काम करें बट एट द सेम टाइम जो अपनी स्किल्स हैं ना अपनी उनको डेवलप करें उन पे काम करें कि ये मेरी सॉफ्ट स्किल्स हैं ये मेरी हार्ड स्किल्स हैं मैंने इस पे ये करना है ये चीज़ सीखें ये सारी चीज़ें दे विल हेल्प यू टू लैंड योर फर्स्ट जॉब